चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, आँखों की गुस्ताखियाँ। Guys, welcome back to my channel, and those who all are new, hi, my name is Sneha and welcome to my channel. So on today's video, I'm going to create this makeup look which is basically based on 15th August, that is Independence Day. So if you want to know, then please watch the video till the end, and if you like this video, then please hit the like button and give a sweet comment on the comment section, and also subscribe my channel to get more such videos. Okay, thank you. So now let's start the video. पहले हम हमारे स्किन पे प्राइमर लगाएंगे और वो है वाओ ब्यूटी का प्राइमर, नैनो ऑयल फ्री प्राइमर मैं लगा रही हूँ। ये जेल बेस प्राइमर है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो आपका फाउंडेशन ठीक से बैठेगा नहीं, इसलिए प्राइमर लगाना जरूरी है। अब हम लगाने वाले हैं फाउंडेशन, और मैं यहाँ पर लैक्मी का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको हम अपने फेस और नेक दोनों एरिया पे लगा लेंगे, और अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे। हम अप्लाई करेंगे कंसीलर अपने हाईलाइटेड एरिया, अपने जो भी एरियाज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो एरियाज पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ लैक्मी का एब्सोल्यूट व्हाइट इंटेंस लिक्विड कंसीलर। तो सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करूंगी अंडर आईज एरियाज पे, नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, चीक्स, चीक बोन पे, चीक के ऊपर, चीन में भी, थोड़ा सा फोरहेड में। इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। अब हम इस कंसीलर को और फाउंडेशन को सेट कर लेंगे एक लूज पाउडर की हेल्प से। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हो, आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो। अब इसको 2 मिनट तक छोड़ के हम इसको भी ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। अब हम हमारा कॉन्टोरिंग भी कर लेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मार्स का हाइलाइटर एंड कॉन्टोर स्टिक, कॉन्टोर स्टिक ब्रश। तो इसको यूज करके अब हम कॉन्टोरिंग भी कर लेंगे। ये दो साइड में आता है, एक साइड डार्क ब्राउन है और दूसरा साइड लाइट ब्राउन है। तो लाइट ब्राउन है स्किन कलर ही है। हम हमारे नोज को कंट्रोल करेंगे, चीक्स को कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा फोरहेड पर भी, थोड़ा सा चीन के एरिया को। अब हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। चीक्स के दोनों साइड ब्लेंड हो चुका है अच्छे से, और चीन का एरिया को भी ब्लेंड कर लेंगे हम, हमारे नोज को भी ब्लेंड कर लेंगे। अब इस लाइट सेट को यूज करके जहाँ पर कंसीलर को यूज किया था वहाँ पर ही फेसर लगा देंगे। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो अब हम मूव करेंगे आई मेकअप की तरफ, जो हमारा मेन। तो पहले हम शुरुआत करेंगे अपने आईब्रोज से। मैं मेरी आई शैडो पैलेट से एक ब्लैक शेड लूंगी और उससे मैं अपनी आईब्रोज करूंगी पहले। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा आईब्रोज डन है, लेकिन इसको और भी अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी कंसीलर, मतलब आईब्रोज पे नहीं, आईब्रोज के नीचे। मैं वो पहले वाला कंसीलर ही लैक्मे का यूज कर रही हूँ जो मैं वीडियो में पहले आपको दिखा दिया था। इस तरीके से उसको यूज करेंगे बिल्कुल आईब्रोज के बॉर्डर पे, आपको जैसी शेप चाहिए वैसे। और हाँ, ये मैं पूरी आई के ऊपर, आईज के ऊपर भी अप्लाई करूंगी क्योंकि आई शैडो भी लगाना है, तो ताकि आई शैडो आपके आई पर अच्छे से चिपके। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा कंसीलर पूरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इस पे थोड़ा लूज पाउडर अप्लाई कर देंगे। अब हम हमारा आई शैडो अप्लाई करेंगे। पहले हम इस ऑरेंज कलर को अपने आई के कॉर्नर्स पर लगाएंगे, फ्रंट कॉर्नर्स पर लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से, और मिडिल पे व्हाइट कलर लगाएंगे।
अब हम इस ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे आई की मतलब ईंट पर, ईंट कॉर्नर्स पर। हम ऑरेंज सिमरी आईशैडो लगा लेंगे ऑरेंज कलर के ऊपर। अब हम व्हाइट कलर की सिमरी आईशैडो लगाएंगे आईज की मिडिल पर, मतलब जहाँ पर व्हाइट कलर लगा है उसके ऊपर ही लगाएंगे। फिर एट लास्ट हम ग्रीन कलर की सिमरी आईशैडो लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे आई शैडो लगाना मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम इस आईलाइनर लगा के, एक विंग आईलाइनर लगा के हमारा आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे, मतलब नहीं ऊपर का आई मेकअप कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये आईलाइनर जो कि है नैलियो का बैम्बू जेट ब्लैक लाइनर, ब्लैक आईलाइनर। यह ऐसे है, एक पेन आईलाइनर है, जेट आईलाइनर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे दोनों आईज पे आईलाइनर लगाना कंप्लीट हो गया है। अब हम आईज के अंडर आईज पे जो भी काजल लगाना है वो भी लगा लेंगे। यहाँ पर मैं ये वाला काजल यूज कर रही हूँ जो कि है लॉरियल का काजल। अब हम थोड़ा सा जो आई शैडो लगा है उसको भी थोड़ा सा काजल के नीचे लगा लें। हम यहाँ पर ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, आईज के ऊपर भी लगा है उसको सेम ग्रीन कलर मैं नीचे भी यूज कर रही हूँ। आप ग्रीन की जगह ऑरेंज भी यूज कर सकते हो और ब्लू भी यूज कर सकते हो। तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो हम एक टिश्यू के हेल्प से क्लीन कर लेंगे। अब हम इसी आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे एक मस्कारा की हेल्प से। और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आइकॉनिक की, लैक्मे आइकॉनिक की कर्लिंग मस्कारा जो बहुत ही ठीक कंसिस्टेंसी देता है। पर्सनली मुझे तो ये लगाने में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको लोअर आईलैशेस पे भी लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो अब हम हाईलाइटर लगा लेंगे अपने नोज ब्रिज पे, चीक बोन्स पे, दो साइड की चीक बोन पे लगा लेंगे, चिन पे, लिप पे और फोरहेड पे भी थोड़ा सा, और आईज के कॉर्नर पे भी लगा लेंगे, आईब्रोज के नीचे भी थोड़ा सा। तो अब हम इस मेकअप लुक को कंप्लीट करेंगे एक लिपस्टिक के हेल्प से, ठीक है। मैं यहाँ पर दो लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, एक रेड और एक पिंक। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा लुक कम्प्लीट हो चुका है। माफ़ हो करके